वेलकम है चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेके का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे इन्वेंशन, कौन सा चीज़ किसने इन्वेंट किया, इसके बाद साइंटिफिक नेम, इसके बाद मतलब वायरल डिजीज या बैक्टीरियल डिजीज, कौन से विटामिन की वजह से कौन सा क्या डिजीज होता है, इसके बाद रेपुटेड फेमस इंस्टीट्यूट, मतलब रेपुटेड इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट, पहले विटामिन का किसने डिस्कवर किया, हॉपकिंस ने किया। DDT किसने किया, पॉल मुलर। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया, एफ फ्लेमिंग। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन किसने किया, एडवर्ड जिनर इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलिन भी इंपॉर्टेंट है, यह दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल पॉक्स के बाद RNA वाटसन अर्थर, स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाटसन एंड क्रिक। इंसुलिन किसने किया, बेंटिंग वेस्ट। इंसुलिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया लिवन है, बैक्टीरिया भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं RH फैक्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो कैसे भी करके याद रखना पड़ेगा। RH फैक्टर, लेंस्टन वेनर, इसके बाद रेबीज वैक्सीनेशन, लुइस पेस्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है। विटामिन ए एंड विटामिन बी दोनों बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विटामिन ए एंड विटामिन बी दोनों सीखना पड़ेगा। मैकुलम एंड फंक विटामिन बी, और विटामिन ए डिस्कवर किया MC कुलम एंड डेविज, मतलब मैकुलम एंड डेविज। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट एडवर्ड। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी किसने इन्वेंट किया, रॉबर्ट एडवर्ड। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार, उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी। क्लोरोक्विन हंस एंडरसेक। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, जोसेफ मेरिन। विटामिन ई, इवेंस एंड विशु। मतलब ये है कि क्लोरोक्विन जो है, क्लोरोक्विन के ऊपर मतलब आ सकता है, ये मतलब करंट टॉपिक इसमें था इसलिए ये आ सकता है। विटामिन ई भी एक बार याद रख लीजिए, इवेंस एंड एस्पेशल। नेक्स्ट टॉपिक ये है ब्रांचेस ऑफ बुटानी एंड अदर्स, मतलब कौन सा किस स्टडी को क्या कहा जाता है, उसके ऊपर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट तीन या चार, मतलब चार या पांच टॉपिक से वो याद रख लीजिए। फर्स्ट, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। एनिमल का स्ट्रक्चर और प्लांट्स का स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, एनाटॉमी। फिर सेल का स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। एंड देन स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट को क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। फ्लावर का ग्रोइंग और मार्केटिंग को क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। स्टडी ऑफ मतलब इनलैंड वाटर के स्टडी को क्या कहा जाता है, लिम्नोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, यह सब चीज़ों का स्टडी को क्या कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी। चलते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा देख लेते हैं एक बार। ये जो स्टडी ऑफ एल्गी, ये वाला इम्पोर्टेंट है। साइटोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। फ्लोरिकल्चर मतलब ये रीजनिंग के हिसाब से भी दे देते, ऑप्शन चार या पांच में से मतलब दे देगा कि फ्लोरिकल्चर इसमें से मतलब कौन सा फ्लोरिकल्चर है, कौन सा अलग है, ऐसे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है मॉर्फोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, मॉर्फोलॉजी। फंजाई का स्टडी को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। मिट्टी और उसके एनवायरनमेंट को मतलब क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी। इसके बाद फ्रूट के स्टडी को क्या कहा जाता है, पोमोलॉजी। मतलब नेमिंग, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म का नाम, क्लासिफिकेशन जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, सबका क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, टैक्सोनॉमी याद रख लीजिए। पोमोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, माइकोलॉजी इसमें से मतलब ज़्यादा 80-90% इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए, कैसे भी करके सीख लीजिए, एग्जाम में तो आना ही वाला है पक्का। नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ जूलॉजी। ब्रांच का मतलब किसको कौन, मतलब फादर किसको कहा जाता है, जूलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, एरिस्टोटल को बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। इसके बाद मेडिसिन के फादर किसको कहा जाता है, हिपोक्रेट्स। जेनेटिक्स का फादर का किसको कहा जाता है, मेंडल। मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, वेटसन। अगर नॉर्मल जेनेटिक्स का फादर क्वेश्चन में आएगा तो मेंडल, और मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है तो वेटसन। रेडिएशन जेनेटिक्स, फादर ऑफ रेडिएशन जेनेटिक्स को किसको कहा जाता है, HJ Mollar। इम्पोर्टेंट है HJ Mollar, इम्पोर्टेंट है, तीनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फादर ऑफ एवोल्यूशन, तो सबको पता है चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ आयुर्वेदा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ केमोथेरेपी, ये भी याद रख लीजिए, पॉल एरलिच। फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंट,
एलिस जेफ्री फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये वाला याद रख लीजिए, फादर ऑफ डीएनए इंजीनियरिंग ये याद रख लीजिए, फादर ऑफ आयुर्वेदा ये तो बहुत ही याद रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, फादर ऑफ आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फादर किसको कहा जाता है, ये तो बहुत ही सबको पता है, कैरलस लिनियस। नेक्स्ट क्या है, डाइवर्सिटीज इन जूलॉजी, जूलॉजी में मतलब कौन सा मतलब छोटा है, कौन सा मतलब क्रिएचर बड़ा है, मतलब उसके ऊपर फर्स्ट क्या है, आर्स लार्जेस्ट एनिमल मैमल, दुनिया में सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है, ब्लू व्हेल है, लिविंग लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है, ब्लू व्हेल है। सबसे छोटा बर्ड कौन सा है, हमिंग बर्ड है, मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा बोन कौन सा है, हड्डी कौन सा है, स्टेप्स। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, फेमर है, थाइस में जो रहता है वही। लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया है स्पिलो, लार्जेस्ट बोन ऑफ फ्रॉग टीवो फिबुला, लार्जेस्ट वायरस वायरस ऑफ पेरॉल, लार्जेस्ट एनिमल ये तो सबको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट बोन और लॉन्गेस्ट बोन दोनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों किसी जगह के याद रखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख सकते, ये भी आने का चांसेस है। इसके बाद क्या है, लार्जेस्ट बैक्टीरिया तो हो गया स्पिलो, लार्जेस्ट बोन ऑफ फ्रॉग टीवी फिबुला, लार्जेस्ट वायरस वायरस ऑफ पेरॉल फीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर, क्वेश्चन नंबर आरआरबी एनटीपीसी में ज़्यादातर आता है, स्टेट एग्जाम में फॉरेस्ट असम फॉरेस्ट या असम पुलिस एग्जाम में भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन। लार्जेस्ट लिविंग रिप्टाइल कौन सा है, टर्टल, स्मॉलेस्ट फाइलम पोरिफेरा, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, यस ये तो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो मसल लिवर इम्पोर्टेंट है, टर्टल इम्पोर्टेंट है, इनमें से चारों के चारों इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, साइंटिफिक नेम में भी एक क्वेश्चन आएगा पक्का। एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है, पायरस मेलोस, बनाना का कौन सा है साइंटिफिक नेम, मुसा पेराडिसिया, मैंगो का कौन सा है मेंजिफेरा इंडिका, पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है अनानास सेटिवस, लेमन का साइट्रस लेमन, लेमन का तो इजी है याद रख सकते हैं, लेमन आराम से हो जाएगा, पाइनएप्पल का भी हो जाए, मैंगो का भी हो जाएगा, ये एप्पल का याद रख लीजिए, गुआवा भी याद रख सकते हैं, गुआवा का सीडियम गुआवा, कैप्सिकम का बीजी है, ऑनियन एलियम सेफा पोटेटो सोलानम ट्यूबरोसम, टीका कौन सा है कैमेलिया है, तंबाकू का निकोटीन, इसमें से आने का चांसेस देता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं, चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लॉन्गेस्ट हेवीएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट हेवीएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, फेमर है, थाई में रहता है, तो स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड, लार्जेस्ट सेल कौन सा है न्यूरॉन है, लार्जेस्ट व्हाइट ब्लड सेल मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इसमें से सब टर्म्स सब फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ नहीं सकता, सबके सब इम्पोर्टेंट है, 100% चांसेस है, इसमें से कोई भी मतलब क्वेश्चन उठा के दे सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए करके सीख लीजिए। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है, स्किन, बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी हार्ट, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ एंटायर बॉडी, एंटायर ब्लड में कितना ब्लड रहता है 5 से 6 लीटर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है 120 से 80, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ व्हाइट ब्लड सेल का लाइफ कितना दिन तक मतलब जिंदा रहता है 2 से 5 दिन तक, ब्लड ग्रुप और यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप मतलब किसी को भी दे सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप का लोग किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप का लोग किसी भी ब्लड मतलब रिसीव कर सकता है, किसी से भी मतलब रिसीव कर सकता है। ह्यूमन लोगों का ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना है 1400 ग्राम, और नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है लोगों का 72 पर मिनट। ह्यूमन ब्रेन मतलब बच्चा का जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास मतलब कितना बोन कितना रहता है मतलब बच्चा लोगों का 270 से 300 तक, उसके बाद एडल्ट लोगों का मतलब टोटल बोन कितना है एडल्ट होने के बाद 270 या 300 से रिड्यूस होकर 206 हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स ह्यूमन बॉडी टोटल नंबर ऑफ मसल कितना है 639, ये तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर का भी सब इसमें सब एक बार देख लीजिए मतलब याद ऐसे दो तीन बार देखने से
याद आ जाएगा, सभी सबके सभी इम्पोर्टेंट हैं। अच्छी तरह से पढ़ लीजिए पी एच बेलू, ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इसमें से 3 या 4 फोन दे दिया, कम से कम पी एच बेलू का 10 या 12 मतलब चीज़ों का पी एच बेलू देख लीजिए, एग्जाम में आने का चांसेस ज़्यादा है। पी एच बेलू गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस का पी एच बेलू कितना है, 1.4। 0 से 7 तक मतलब 7 न्यूट्रल में है, 0 से 7 तक कितना है मतलब एसिड है, और 7 से 14 तक बेस, उसको बेस कहा जाता है जो कि मतलब एल्कलाइन। पी एच बेलू का गैस्ट्रिक जूस कितना है, 1.4 मतलब एसिडिक होगा। ह्यूमन यूरिन लोगों के पेशाब में मतलब पी एच बेलू कितना है, 6। अगर 6 0 से 7 तक मतलब एसिडिक, उसको एसिड कहा जाता है, सो एसिडिक होगा ये। ह्यूमन ब्लड का पी एच क्या कौन सा कितना रहेगा, 7.4। अगर 7 से ऊपर होगा तो क्या होगा, एल्कलाइन होगा। पनक्रेटिक जूस 8.5, 7 से ऊपर है सो ये भी एल्कलाइन होगा। डिजीज कौन सा विटामिन की वजह से मतलब क्या बीमारी होता है, बेरीबेरी जो बीमारी है वो विटामिन B1 की वजह से होता है, उसका थायमिन, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, थायमिन है। स्कर्वी, स्कर्वी मतलब किस विटामिन की वजह से होता है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी बीमार होता है। रिकेट्स, रिकेट्स किस बीमारी की वजह से होता है मतलब किस विटामिन की वजह से होता है, रिकेट्स जो बीमार है वो हड्डियाँ जो वीक और सॉफ्ट होने की वजह से मतलब रिकेट्स बीमार होता है, और हड्डियाँ सॉफ्ट और वीक मतलब किस वजह से होता है, विटामिन डी के डिफिशेंसी की वजह से होता है। ऑस्टियोमेलिसिया, ऑस्टियोमेलिसिया मतलब जैसे कि बच्चों के लिए रिकेट्स होता है तो एडल्ट लोगों के लिए ऑस्टियोमेलिसिया होता है, ये भी तो सेम रीज़न है, विटामिन डी की वजह से होता है। विटामिन डी की कमी से, कमी के कारण हड्डियाँ जो है वो बहुत वीक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ऑस्टियोमेलिसिया ठीक होता है। इन्फेक्शन डिजीज, इसमें से क्वेश्चन में देते हैं कि वायरल डिजीज कौन सा, वायरल डिजीज है कौन सा, बैक्टीरियल डिजीज है, इसमें से नीचे दिए गए ऑप्शन से चुन लो, ऐसे क्वेश्चन में आता है तो याद रख लीजिए। बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा है, कौन सा वायरल इन्फेक्शन है, वायरल में से है रेबीज है, पाम्स है, जुंडी से, इन्फ्लुएंजा। बैक्टीरियल डिजीज में कौन सा आता है, ट्यूबरकुलोसिस आता है, प्लेग आता है, डिप्थीरिया आता है, लेप्रोसी आता है, टाइफॉइड, कोलेरा, गोनोरिया, न्यूमोनिया, सिफिलिस, ये सब बैक्टीरिया की वजह से डिजीज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें से एक्सेलेंट, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वाला कौन सा, टीबी, टीबी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, डिप्थीरिया इम्पोर्टेंट है, कोलेरा इम्पोर्टेंट है, टाइफॉइड इम्पोर्टेंट है, सिफिलिस इम्पोर्टेंट है, रेबीज का आता है, इसमें जॉन्डिस, इन्फ्लुएंजा ये भी देता है। एक्सेलेंट, इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा, स्कर्वी इम्पोर्टेंट है, बेरीबेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में मतलब क्वेश्चन में आता है, स्टेट लेवल एग्जाम में भी आएगा, रेलवे में भी आएगा, एसएससी में भी पूछ करता है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कटक पे है, कटक में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, कोयम्बतूर है। सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बतूर में है, ये कोयम्बतूर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। फिर सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, राजमुंड्री, ये राजमुंड्री कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर मतलब सेंट्रल तंबाकू रिसर्च वहीं पे है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, धनबाद है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ कहाँ पे है, यूपी में है, यूपी में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर वेस्ट बंगल का कलकत्ता में क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI। सेंट्रल कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, केरला में है, केरला के कसीगोड। फिर एम्स कहाँ पे है, न्यू दिल्ली पे है। इसमें से 4 या 5 पॉइंट दिया है, पाँचों के पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप सभी में मतलब वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए, जो लोग एग्ज़ाम मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मतलब प्रिपेयर